जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों से। बच्चों, आपकी पढ़ाई को शुरू किया जाता है, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डेली वाइज वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले, बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी आपके पेपर थर्ड से हम शुरू करते हैं, तीसरे पेपर से शुरू करते हैं, क्योंकि तीसरा पेपर मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, तो तीसरे पेपर से शुरू करेंगे। इसका पहला यूनिट बच्चों, पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट एम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, किसकी, वैदिक, बौद्धिक और इस्लामिक। मतलब इन तीनकालीन शिक्षाओं में, जैसे वैदिक, बौद्धिक और इस्लामिक, इन तीनकालीन शिक्षाओं में कॉन्सेप्ट एम और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। और सवाल भी ऐसे ही पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आदर्श क्या है, कभी कभी इसके आदर्श और उद्देश्य और विशेषताएं, तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। बौद्धिक कालीन शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य और विशेषताएं, मुस्लिम कालीन शिक्षा की आदर्श, उद्देश्य और विशेषताएं। और ये एक यूनिट है बच्चों, इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, चाहे वैदिक पूछे, चाहे बौद्धिक पूछे, चाहे इस्लामिक पूछे, लेकिन हाँ, इस यूनिट से आपको 20 नंबर, एक नंबर सेक्शन सी में 15 नंबर का, एक प्रश्न सेक्शन बी में 8 नंबर का, और कम से कम दो सवाल सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। मतलब अगर कम से कम की बात करें तो आप 20 से 22 नंबर के सवाल तो आपको इन तीनों में से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आज हम वैदिक कालीन शिक्षा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसकी आदर्श, उद्देश्य और विशेषताएँ क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे हैं आप सब, आप उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शुरू होगी, तो वो सीरियसली अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की, ओके, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। डेली ऐसे ही मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज पढ़ना क्या है, और दूसरे वीडियोस में उस पॉइंट्स को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा का कंप्लीट आज वीडियो आपको मिलने वाला है, चैनल पे तुरंत मिल जाएगा, इस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस प्रकार से हम साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, आपको उसको अपने शब्दों में नोट्स बना लेना है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे, और उसको अपने शब्दों में याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आप एग्जाम्स में लिखें, सीरियसली होकर पढ़ाई करना है। मैं खुद अब इस बार से सीरियस रहूँगा, डेली वीडियोज डालूंगा, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था, मगर हाँ, अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है, तैयारी शुरू कर किया जाए, आपका सपोर्ट चाहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, और अब हम साथ मिलकर तैयारी करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली हमारी वीडियो है, और इस वीडियो में हम देखेंगे आज वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, फिर कल देखेंगे बौद्धिक कालीन शिक्षा, थर्ड डे देखेंगे इस्लामिक कालीन शिक्षा, और इस तरह से हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत मिलते हैं उस वीडियो में, आइए लेट्स गो टू दैट वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जय जय भारत साथियों। और हाँ, एक खास रिक्वेस्ट कि जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाए, और एक और कम्युनिटी ग्रुप बनाई गई है व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की एक और खासियत यह है कि आपके नंबर दूसरों तक नहीं जाएंगे, केवल एडमिन ही उसको चेक कर पाएंगे, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप तक वीडियो जल्दी से मिल जाए। और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इस वीडियो को देख के नहीं, अगले वीडियो को देख के कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कंप्लीट वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो, और चलो देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा को, और इसी प्रकार से सीरियसली गाइस, तीन दिन में एक यूनिट को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत है ना। अगर आप इस थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पांच यूनिट है, सेकंड सब्जेक्ट में पांच यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से पाँच, लगभग 25 लगभग 15-18 यूनिट्स हैं आपके टोटल, तो पढ़ना ज़्यादा है, उसमें टॉपिक ज़्यादा है, उसमें पॉइंट ज़्यादा है, टाइम लगेगा। सो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, ओके। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा को देखते हैं, और आज इसको ख़त्म करते हैं, ओके। जय हिंद जय भारत, चलिए इस वीडियो में।